अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम मज़मून रियाजी इसका पहला हिस्सा रोमन अददी अलामतें इसकी मश्क हल करेंगे। इसके मुतालिक आपको जो मालूमात दी जा रही है इसे आपको याद रखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल कर अपनी बयाजों में इसको लिख सकते हैं। बरसों पहले यूरोप में अदद लिखने के लिए कैपिटल रोमन हरूफ इस्तेमाल किए जाते थे। एक के लिए आई, पाँच के लिए वी और दस के लिए एक्स। हर्फ अददी अलामत यानी हिंसी के तौर पर इस्तेमाल होते थे, इसलिए अददों को लिखने के इस तरीके को रोमन अददी तहरीर का तरीका कहते हैं। इस तरीके में सिफर के लिए कोई अलामत नहीं होती, इसी तरह हिंसों की मकामी कीमत भी नहीं होती। रोमन अददी अलामतों की मदद से दूसरे अदद लिखने के लिए बाज़ उसूल बनाए गए हैं। आओ देखें कि इन उसूलों के मुताबिक आई, वी, एक्स की अलामतों का इस्तेमाल करके 20 तक के अदद किस तरह लिख सकते हैं। उसूल एक, आई और एक्स में से कोई अलामत दो मर्तबा या तीन मर्तबा एक के आगे एक लिखी जाए तो इनकी जमा करने पर अदद हासिल होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक जमा एक बराबर दो, तो यहाँ पर एक के लिए हम क्या करते हैं, एक आई लिखते हैं और दो के लिए हमको कितनी मर्तबा आई लिखना होगा, दो मर्तबा। इस तरह से दो के लिए हम दो मर्तबा आई लिखते हैं तो और इसको दो पढ़ते हैं। 10 जमा 10 बराबर 20 होते हैं, तो 20 लिखने के लिए हमें x यहाँ पर दो मरतबा लिखना होगा। इसी तरह से 1 जमा 1 जमा 1 बराबर 3 होते हैं, तो 3 लिखने के लिए हमें i कितनी मरतबा लिखना होगा, 3 मरतबा। उसूल नंबर 2, i और x की अलामतें एक के आगे एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिखते हैं। अलामत v को एक के आगे एक नहीं लिखते, ये बात आपको याद रखनी है। उसूल 3, आई या वी में से कोई अलामत बड़ी अददी अलामत के दाएं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत बड़े अदद की अलामत की कीमत में जमा की जाती है। दाएं आपको पता है दाएं तरफ यानी क्या, सीधी तरफ। देखिए 5 जमा 1 अगर हमें 5 जमा 1 बराबर क्या होते हैं, 6। अगर हमें 6 लिखना है तो 5 के लिए हम वी इस्तेमाल करते हैं और 1 के लिए आई। आई हम किस तरफ लिखेंगे, दाई तरफ। इसी तरह 10 जमा 1 बराबर 11 होते हैं, तो 11 लिखने के लिए हम एक्स और आई लिखेंगे। 10 जमा 5 बराबर 15 होते हैं, तो 15 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वी लिखेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो मिसालें दी हुई है वो आपको अपनी बयाज में लिखना है। आपको अगर 16 लिखने हैं तो 16 आप किस तरह से लिखोगे, x, v और i। आपको 12 लिखने हैं तो आपको 12 किस तरह से लिखने होंगे, x और दो मर्तबा i। जब आप जमा करते हो तो आपको दाएं तरफ यहाँ पर आपको अदद लिखने होंगे। अगर आपको 7 लिखना है तो आप किस तरह से लिखोगे, 5 जमा 2 लिखना है, यहाँ पर 5 के लिए V और 2 के लिए दो मर्तबा आए। इसी तरह से 8 लिखने के लिए 5 और एक आए कितनी मर्तबा लिखेंगे हम, 3 मर्तबा। इस तरह से हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। अगर आपको 13 लिखने हैं तो 10 और आए 3 मर्तबा लिखने पर ये 13 बन जाते हैं और इसे हम 13 पढ़ते हैं। उसूल नंबर 4, अलामत आई, अलामत वी या एक्स के बाएं तरफ लिखी जाए तो उसकी कीमत वी या एक्स की कीमत में से तफरीक करते हैं। अलबत्ता आई अलामत वी या एक्स के बाएं तरफ एक से ज़्यादा मर्तबा नहीं लिखते। मसलन देखिए यहाँ पर आपको बात याद रखनी है कि जब हम सीधी तरफ लिखते हैं तो वहाँ पर जमा होता है, और जब हम दावी यानी दाई तरफ लिखते हैं तो यहाँ पर वो तफरीक होता है। जैसे कि यहाँ पर
अगर हमें 9 लिखना है, 9 लिखने के लिए हम 10 तफरीक 1 यानी क्या होता है 9, तो 9 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, x के बाएं तरफ i लिखेंगे और इसको हम 9 पढ़ेंगे। इसी तरह अगर हमको 4 लिखने हैं तो 5 तफरीक 1 बराबर 4 होता है, तो हम 5 यहाँ पर 5 के लिए भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तफरीक का अमल है 4 लिखना है, तो हम इसके बाएं तरफ i लिखेंगे, यानी i v यानी 4 और i x यानी 9। अदद 8 को हम यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखते, जैसे कि अगर आपको लगेगा कि x और यहाँ पर बाएं तरफ 2 मरतबा i लिखना है, तो ये इस तरह से हमें नहीं लिखना है। यहाँ पर 14 और 19 के अदद किस कदर मुख्तलिफ तरीके से लिखे जाते हैं ये आपको याद रखना है। 14 लिखने के लिए हम i की अलामत 4 मरतबा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि i ज़्यादा से 3 मरतबा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा अदद 14 को 10 जमा 4 समझते हैं और 4 के लिए अलामत i v इस्तेमाल करते हैं। अदद 14 को x i v लिखते हैं, इसी तरह 19 को 10 जमा 9 के तौर पर किस तरह से लिखते हैं देखिए, यहाँ पर हम 10 जमा 9 को इस तरह से लिखेंगे, 10 के लिए x और 9 के लिए i x। 20 तक अदद लिखने के लिए पहले इस अदद को 10, 5 और 1 के ग्रो में तकसीम करते हैं और फिर ऊपर के उसूलों के मुताबिक रोमन अददी अलामतें इस्तेमाल करते हैं। मसलन जैसे कि आपको 12 लिखने हैं तो हमें क्या करना होगा, 10 जमा 1 जमा 1 बराबर 12, तो 12 लिखने के लिए हमें x और 2 मरतबा आई लेना होगा। अगर आपको 7 लिखना है तो 5 जमा 1 जमा 1, इसे हम v और 2 मरतबा आई इस तरह से जाहिर करेंगे। 18 अगर आपको लिखना है तो हमें क्या करना होगा, 10 जमा 5 जमा 3, 10 के लिए x, 5 के लिए v और 3 के लिए 3 मरतबा i, इस तरह की अलामतें यहाँ पर हमें लिखकर इसे पढ़ना होगा। मश नंबर 1, इसका पहला सवाल आपको दिया हुआ है, रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके 1 से 20 तक अदद लिखिए। तो आपको रोमन अददी अलामतों में यहाँ पर 1 से 20 तक अदद लिखना है। तो देखिए 1 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं रोमन अददी अलामत में, i, 2 के लिए 2 मरतबा i, 3 के लिए 3 मरतबा, 4 के लिए हम i v लिखेंगे, 5 के लिए v, 6 के लिए v i, 7 के लिए v i i, 8 के लिए v और 3 मरतबा i, 9 के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, i x लिखना है और 10 के लिए x। इसी तरह 11 के लिए x i लिखेंगे, 12 के लिए x और 2 मरतबा i, 13 के लिए x और 3 मरतबा i, 14 के लिए x और यहाँ पर देखिए 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, i और v, तो 14 के लिए हम लिखेंगे x i v यानी 10 जमा 4, इस तरह से 14। इसी तरह 15 के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 जमा 5 यानी x और v, 16 के लिए हम लिखेंगे 10 जमा 5 जमा 1 यानी कि 10 के लिए x, 5 के लिए v और 1 के लिए i, इस तरह से ये 16 हो गए। इसी तरह 17 के लिए हम क्या लिखते हैं, 10 जमा 5 जमा 1 जमा 1, तो यहाँ पर 10 के लिए x, 5 के लिए v और 2 मरतबा i। इसी तरह 18 के लिए 10 जमा 5 जमा 1 जमा 1 जमा 1, इस तरह से 18 हो जाते हैं, तो 10 के लिए x, 5 के लिए v और 3 के लिए 3 मरतबा i, इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे 18। 19 के लिए आपको क्या लिखना है, 10 जमा 9, तो 10 के लिए हम लिखते हैं x और 9 के लिए लिखते हैं i x। और 20 के लिए हम किस तरह से लिखते हैं, 10 जमा 10 यानी x जमा x बराबर क्या होंगे, 2x, यहाँ पर 2x लिखने पर हमें 20 हासिल होता है। सवाल नंबर 2, मंदरजा झील इदाद बैनुल अक्वामी अलामतों में लिखिए। आपको यहाँ पर रोमन अदद दिए हुए हैं और उसको आपको
बैनुल अक्वामी अलामत में लिखना है। वी यानी क्या? वी बराबर पाँच। वी डबल आई, इसको हम क्या पढ़ेंगे? सात। एक्स को हम क्या पढ़ेंगे? दस। और एक्स और तीन मर्तबा आए है, इसको हम लिखते हैं तेरह। इस तरह से यहाँ पर एक्स आई वी बराबर क्या है? चौदह। एक्स वी आई बराबर सोलह। एक्स वी और तीन मर्तबा आए है, यानी क्या है ये? अठारह। आई एक्स बराबर नौ। ये बातें आपको याद रखनी है और अपनी बयाज में इसे लिखना है। सवाल नंबर तीन, खाली चौकोन को पूर कीजिए। यहाँ पर आपको सवाल नंबर तीन में जो मश्क में दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसा कि यहाँ पे मश्क में आपको यहाँ पे तीन लिखा हुआ है और रोमन अदद अलामत में आपको तीन लिखना है। तीन लिखने के लिए हम क्या करेंगे? तीन मर्तबा आई लिखेंगे। मश्क में आपको यहाँ पर वी और तीन मर्तबा आई दिया हुआ है, यानी ये क्या है? वी यानी पाँच और तीन मर्तबा आई यानी तीन। पाँच और तीन कितने होते हैं? आठ। तो यहाँ पे आपको आठ लिखने हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको मश्क में छः दिया हुआ है, छः लिखने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, पाँच और एक। पाँच के लिए वी और एक के लिए आई। इसी तरह यहाँ पर आपको एक्स और दो मर्तबा आई दिया हुआ है, एक्स और दो मर्तबा आई यानी क्या? दस और दो बारह। तो यहाँ पे आपको बारह लिखने हैं। इसी तरह से यहाँ पे पंद्रह दिए हुए हैं और आपको रोमन अदद में लिखना है। तो पंद्रह लिखने के लिए आप क्या लिखोगे पहले? जी हाँ, दस लिखेंगे। दस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्स। और पाँच के लिए वी। इस तरह से हम एक्स और वी लिखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे पंद्रह। यहाँ पर आपको एक्स और आई एक्स दिया हुआ है। एक्स आई एक्स यानी क्या? एक्स यानी दस और आई एक्स यानी नौ। दस और नौ कितने होते हैं? उन्नीस। तो यहाँ पर आपको उन्नीस लिखने हैं। इसी तरह सवाल नंबर चार में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके अदद लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको नौ दिया हुआ है और आपको रोमन अदद में लिखना है। तो नौ के लिए रोमन अदद क्या है? जी हाँ, आई एक्स। दो के लिए दो मर्तबा आए। सत्रह लिखने हैं तो आपको कैसे लिखना होगा? दस जमा पाँच जमा दो। दस के लिए एक्स, वी के लिए पाँच के लिए वी और दो के लिए दो मर्तबा आए। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे क्या? सत्रह। आपको चार लिखना है तो चार के लिए आप क्या करते हैं? जी हाँ, पाँच के बाएं तरफ हम एक लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? चार हो जाता है। तो आई वी यानी क्या? चार। और अगर वी आई लिखा हुआ रहा तो क्या पढ़ेंगे आप? जी हाँ, छः पढ़ेंगे। यहाँ पर ग्यारह दिया हुआ है तो ग्यारह के लिए हम कौन सा रोमन अदद लिखेंगे? दस जमा एक, यानी कि दस के लिए एक्स और एक के लिए आई। ये हो गए ग्यारह। अठारह लिखने हैं तो दस जमा पाँच जमा तीन। यहाँ पे दस के लिए एक्स, पाँच के लिए वी और तीन के लिए तीन मर्तबा आए। एक मर्तबा पढ़िए वापस से। इसको हम नौ पढ़ेंगे, इसको हम दो पढ़ेंगे, इसको सत्रह, चार, ग्यारह और अठारह। सवाल नंबर पाँच, ज़ील में बैनुल अक्वामी हिंसों में दिए हुए हर अदद को रोमन अददी अलामतों में लिखा गया है। रोमन अददी अलामतों में लिखा हुआ अदद सही हो तो इसके नीचे ऐसा सही निशान लगाइए, गलत हो तो ऐसा गलत निशान लगाइए और इसे दुरुस्त करके लिखिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे टेबल बनाना है। किताब में आपको दिया हुआ है सवाल और आपको यहाँ पर अपनी बयाज में इसे लिखना है। बैनुल अक्वामी हिंसों में तहरीर आपको यहाँ पे दिया हुआ है चार, छः, आठ, सोलह और पंद्रह, और उसके नीचे यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसके रोमन अदद। अगर ये रोमन अदद में सही लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे सही का निशान लगाना है, अगर गलत है तो उसे गलत लगाना है, और जो गलत हुआ है उसे दोबारा यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर बैनुल अक्वामी हिंसों में दिया हुआ है चार, तो यहाँ पर रोमन अदद में हम कैसे लिखेंगे इसको? चार ऐसे लिखते हैं क्या हम? नहीं, ये गलत दिया हुआ है।
तो इसलिए यहाँ पर हम सही कैसे लिखेंगे, आई वी चार के लिए हम रोमन अदद अलामत में आई वी लिखते हैं। छः यहाँ पर दिया हुआ है और छः के लिए यहाँ पर रोमन अदद दिया हुआ है, रोमन अदद की अलामत दी हुई है वी आई, तो ये सही है क्या? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से आठ यहाँ पे दिया हुआ है, आठ के लिए हम क्या लिखते हैं, आपको पता है यहाँ पर देखिए आय दो मरतबा आय और एक्स दिया हुआ है, ये सही है क्या? नहीं, ये गलत है। जबकि सही क्या होगा आठ के लिए, पाँच और हम तीन मरतबा आय लिखते हैं, तब इसे हम आठ पढ़ते हैं। यहाँ पर सोलह दिया हुआ है, सोलह के लिए हम दस जमा पाँच जमा एक लिखते हैं, दस के लिए एक्स, पाँच के लिए वी और एक के लिए आय। यहाँ पर ये सोलह सही लिखा हुआ है। ये कितने हैं, पंद्रह, यहाँ पर पंद्रह, पंद्रह के लिए हम तीन मरतबा वी लिखते हैं क्या? नहीं, ये गलत है। जबकि हम जब पंद्रह लिखना होता है तो दस जमा पाँच लिखते हैं, दस के लिए एक्स, पाँच के लिए वी। आपको याद रखना है आई वी एक्स एल सी डी एम, एक, पाँच, दस, पचास, सौ, पाँच सौ, हज़ार।